दिन की शुरुआत होती है दोस्तों इन खतरनाक नेवलों से। ये खतरनाक नेवलों की टोली हमारे बगीचे में घुस आई है। अब मुझे डर है कि ये हमारे पक्षियों के घर में ना घुस जाए और सारे अंडे ना खा जाए। इन्हें फौरन ही पकड़ना पड़ेगा और यहाँ से हटाना पड़ेगा। मैं तो बिल्कुल ही डर गया हूँ, मेरे पक्षी भी सारे डर जाते हैं इनसे। तो चलिए चलते हैं अपने बजीज के पास। यार ये बजीज मैंने कल ही लाई है, मुझे पता नहीं चल रहा है ये खाएंगी क्या। यार तू ही बता यार रेयान क्या खाएंगी। अच्छा ये खाएंगी, चलो इसे मैं जल्दी से दे देता हूँ। कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, देखिए। अरे खरगोश तुम इन बजीज से क्यों डर रहे हो, कुछ नहीं करेगी तुम्हें। ये भी कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। चलिए नहीं मैं जल्दी से खाना दे देता हूँ। और तुम मिट्टू क्या हुआ, देखो ये मुझे देखते ही नींद में चला जाता है। काफी फनी लग रहा है माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ, शाम के समय हो रहा है और आप बड़ा अच्छी शानदार लग रही है। जैसे मैंने सारे कबूतर को खोल दिया, ये आराम से धूप वगैरह ले रहे हैं। और ये देखिए ये वाला जो हमारा जोड़ है आप देख सकते हैं, टाइगर वाला, ये अभी इसके बच्चे छोटे ही हैं और ये इसे अंडा डलवाना चाह रहा है। और ये रहा इसके पीछे किंग दोस्तों। तो दोस्तों बिना देर करते हुए चले चलते हैं कबूतरों के घर के अंदर और आपको कुछ अपडेट्स देते हैं नए नए। चले चलते हैं। मैं अंदर जा ही रहा था कि मुझे गमले में दो कबूतर के अंडे दिखाई दिए। मुझे लगता है ये जंगली कबूतर के हैं जो वहां पे रहते हैं, अब वो यहाँ पे आके अंडे दे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा यहाँ पे दाना वो खाते रहते हैं। इस वजह से लग रहा है उनकी आदत हो गई थी और इसने यहाँ पे घास वगैरह देखा और यहाँ पे अंडे दे दिए। अब मैं इस अंडे को उठा के मैं अपने लॉफ्ट के अंदर लेके किसी कबूतर को दे दूंगा ताकि ये इसमें से बच्चे निकल जाए, और फिर जंगली के बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें उड़ा दूंगा, आजाद कर दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं लॉफ्ट के अंदर, चलिए चलते हैं। तो हम लॉफ्ट के अंदर आ गए हैं फाइनली। देखिए ये रहा मेरा गार्डिनाटो पाउडर का अंडा जो कि वो बाहर चली गई है खाने, अभी मैं उसको अंदर कर देता हूँ। और ये रही मेरी प्यारी सिराजी, आप देखिए, ये देखिए ये इसका बच्चा काफी बड़ा हो रहा है अब धीरे धीरे। देखिए ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। और ये रहा मेरी सिराजी, अब किंग के बच्चे को देखिए आराम से पैर पसार के सो रहा है। ये बहुत ही क्यूट और बहुत ही माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। माय डियर वेकअप 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 वेकअप, मैं इसे जगा दिया हूँ। ये देखिए दोस्तों एक छोटा सा बच्चा निकला हुआ है, ये हंगेरियन का है और उसके पीछे गार्डिनाटो पार्टर का क्या बोलते हैं अंडा है दोस्तों। एक ये चूहा सा बच्चा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये डर रहा है वीडियो में। और ये देखिए ये आराम से यहाँ पे सोया हुआ खा पी के। प्यारी कबूतरी ने दोस्तों फिर से अंडे डाल दिए हैं और ये बैठी हुई अंडे लेके, ये देखिए दोस्तों। कल बाजार से मैंने गाजर खरीदा था ये खरगोश के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, जब खरगोश बाहर से घूम के आएगा तो मैं उसे गाजर दे दूंगा दोस्तों। एक ये हमारा हंगेरियन का बच्चा है, देखिए ये देखिए अभी छोटा है, डबल क्रस्ट में निकला हुआ है, डबल क्रस्ट में। ये बहुत ही नायाब और बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ये जेड ब्लैक आप देख सकते हैं वीडियो में, ये हमारे हंगेरियन का बच्चा, ये पूरा जेड ब्लैक निकला, ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है दोस्तों। तो ये देखिए कैमरे में कितना एग्रेसिव हो रहा है, ये सेंटिनेट का बच्चा है, बहुत ही मारने के लिए रेडी हो रहा। और तेरी ये तो अभी से इतना एग्रेसिव है दोस्तों। तो दोस्तों सारी अपडेट मैंने लॉफ्ट, अब चलते हैं बाहर। अब बाहर की कुछ अपडेट्स मैं आपको देता हूँ। बाहर आते ही मैं देखा ये कुर्सी में ये बैठ गए हैं, अंदर जाने की बहुत, तो ये अंदर जाना चाह रहे हैं, कुर्सी में आके बैठ गया। चलो हटो 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 ये चलो। तो दोस्तों आप देखिए वीडियो में, ये देखिए ये रहे हमारे नया फैंटेल कबूतर एक साथ खड़े हुए, कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये नया पेयर मैं आज ही लेके आया हूँ क्योंकि इनकी जो हाइट पर्सनैलिटी है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, इंशाल्लाह आपको भी अच्छी लगेगी। इधर देखिए ये खबोड़े लोग इतना खा रहे हैं कि पूछो मत। और ये रही दुख से भरी हुई हंगेरियन जो कि बहुत ही ज्यादा दुख में रहती है, डिप्रेशन में रहती है, ये उड़ती है खाती सब करती है लेकिन ये हमेशा दुख में रहती है, इस वजह से थोड़ा बहुत कम खाती है। और दोस्तों इनको देखिए ये लगातार खा रहे हैं खबड़ खबड़ दोस्तों। ये खरगोश और तोते के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है, तोता हमेशा खरगोश के नाक में काट देता है, फिर मुझे मेडिसिन करने, इसकी थोड़ी सी सर्जरी वगैरह एक बार करनी पड़ गई थी। देखिए ये रहा मेरा प्यारा तोता मिट्टू, देखिए बोल रहा है ये, मेरे मुझे देख के ये सो जाता है, बहुत ही प्यारा है दोस्तों। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने मुर्गियों की तरफ, चलिए उन्हें भी कुछ दाना पानी दे देते हैं। मैं दाना ले लिया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अपने मुर्गियों को देने दाना।
ये देखिए, ये अभी मेरा वेट कर रही है दाना के लिए। ल, आ, 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 ये देखिए, ये देखिए, यहाँ खाना पीना शुरू कर दिए ये मुर्गियाँ, मेरी प्यारी मुर्गियाँ। ये कबूतर दिन भर मस्ती करते रहते हैं यार। इन अंडों को मैं उठा ले रहा हूँ, ये लवारिस अंडे जंगली कबूतर के। तो दोस्तों, मैं अब ये जंगली कबूतर के अंडे को जो बाहर मैं गमले में पाया था, मैं इसे लेके अंदर रख दे रहा हूँ। मैं इसे यहाँ रख दे रहा हूँ और ये कबूतरी इसे ढक के सेक देगी, इसमें से बच्चे निकल जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कबूतरी मिट्टी खा रही है। मिट्टी खाने से इनका हेल्थ अच्छा रहता है दोस्तों। ये देखिए, हमारे कुछ कबूतर उड़ रहे हैं हाई फ्लायर ऊपर। ये जो कबूतरी आप देख रहे हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी हुई है। ये उड़ती है, सब करती, पर खाती कम है और डिप्रेशन में रहती है। इसे मुझे जल्द ही ठीक करना पड़ेगा दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, मैं जूम करके दिखा रहा, ये रहा मेरा खरगोश। देखिए देखिए इसे, ये क्या रिसर्च कर रहा है कुछ। ये भी इन कबूतरों की तरह रिसर्च करता रहता है। सरप्राइज है दोस्तों, देखिए ये, देखिए ये रहा मेरा एक नायाब कैपुचिन। ये देखिए कितना नायाब कबूतर है ये। और ये रहा उसकी, उसका जोड़, ये रहा ये कैपुचिन। ये देखिए, ये देखिए कितना शानदार लग रहा है ये भी। और ये रही उसकी फीमेल, अब दोनों साथ साथ हैं। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने शानदार, कितने प्यारे लग रहे हैं। कुछ जाली का टुकड़ा बच गया दोस्तों। इस जाली को लेके मैं कुछ सेपरेट कबूतरों का, अपने बड़े कबूतरों का केज बनाऊंगा और उसी में रख दूंगा। देखिए ये, देखिए ये सेपरेट बच गए हैं कुछ जाली। और ये मुर्गी मुर्गा जाली के अंदर बंद है, क्योंकि ये अगर इनको मैं खोल देता हूँ दोस्तों, तो ये मेरे कबूतरों पर हमले दे देते हैं। इसको भी पसंद नहीं करता हूँ, मैं जल्दी खोलता नहीं क्योंकि अटैक करते हैं ये। ना जाने क्यों ये बार बार कुर्सी में बैठ जा रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है इसमें कि ये कहीं बीट ना कर दे, पॉटी ना कर दे, मेरा कुर्सी खराब हो जाए क्योंकि मैं इस पर बैठता हूँ। चलो हटो हटो, तुम लोग हटो 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 हटो। ये देखिए भाग गए सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। देखिए दोस्तों कितना शानदार लग रहा है ना। चलो तुम जाओ 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 जाओ, अपनी फीमेल के पास जाओ जाओ। ये देखिए चला गया वो।